गलती से इन फलों को फ्रिज में न रखें। इसके बारे में और जानने के लिए आगे वीडियो देखें। हम फलों और सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं ताकि वे खराब न हो, लेकिन कुछ चीज़ों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। इन चीज़ों को फ्रिज में रखने से पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, खासकर फलों को पूरी तरह से फ्रिज में न रखें। तो अगर ये टॉपिक आपके मतलब का है और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। खरबूजे और तरबूज जैसे फल बाजार से लाने के बाद कई लोग इन्हें ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। यह उनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन फलों को फ्रिज में रखने से बचें। अगर आप इन्हें ठंडा होने पर खाना चाहते हैं तो इन्हें काटने के बाद कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा होने पर खा लें। इसे ज़्यादा देर तक न रखें, नहीं तो फल में पोषक तत्व कम हो जाएंगे। इसके अलावा वे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां तक हो सके फलों को फ्रिज में रखने से बचें। जानिए किन फलों को फ्रिज में रखने से नुकसान होता है। संतरा और नींबू। संतरा और नींबू एसिड से भरपूर होते हैं। यह फल ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें फ्रिज में रखने से इनके पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं, साथ ही उनका स्वाद भी बदल जाता है। इसके लिए इन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। सेब और किशमिश। सेब, आड़, आलू बुखारा और चेरी जैसे फल सक्रिय एंजाइम ईमो से उच्च होते हैं। इन्हें फ्रिज में रखने से ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। केले। केले के ठंडल से इथिलीन गैस निकलती है, जिससे केले फ्रिज में रखने पर जल्दी काले हो जाते हैं, साथ ही आसपास के फलों को भी खराब कर देते हैं, इसलिए केले को भी कभी फ्रिज में न रखें। आम। फलों के राजा आम को भी कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आम कार्बाइड से बनते हैं। यह आमों को फ्रिज में रखने से खराब हो जाते हैं, साथ ही आम को फ्रिज में रखने से उनमें मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप आम के पोषक तत्वों को लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में न रखें। लीची। यदि आप लीची को फ्रिज में रखते हैं तो उनकी त्वचा ताज़ा और दृढ़ रहेगी, लेकिन यह अंदर से खराब हो जाएगी, क्योंकि लीची फ्रिज की कृत्रिम ठंड का सामना नहीं कर सकती है। फूड पॉइजनिंग का खतरा। अगर खाना पकाने के कुछ घंटों के भीतर उसे रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जिससे खाना खराब हो सकता है। ये हानिकारक बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग के खतरे को भी बढ़ाते हैं। खासकर बासी चावल न खाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चावल को कुछ देर कमरे के तापमान पर रख कर दोबारा गर्म करने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। दस्त। फूड पॉइजनिंग बढ़ जाए तो उल्टी और पेट दर्द भी बढ़ जाता है। नतीजन शरीर निर्जलित होने लगता है और निर्जलीकरण हो सकता है। इसलिए बासी खाना खाने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ऐसे नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका और आपके परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।